अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 30 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और इनमें रेस किए गए मेन इश्यूज एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लियाकत अली एंड शाद मोहम्मद अगेंस्ट द स्टेट। पिटिशनर्स ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सुनाए गए फैसले को क्वेश्चन किया, जिसमें उन्हें अंडर सेक्शन 9C ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 कन्विक्ट किया गया था। लिहाजा ये जेल पिटिशन पिटिशनर्स ने मूव की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या एविडेंस में पुलिस ऑफिशल्स की टेस्टिमनी पर रिलाई किया जा सकता है, और दूसरा ये कि क्या कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस रूल्स 2001 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे कोई बार प्लेस करते हैं कि वो सीजर के 72 आवर्स के बाद सैम्पल्स ना भेजें। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी ने पहले सवाल पे कहा कि पुलिस ऑफिशल्स भी किसी और प्राइवेट विटनेस के बराबर हैं और उनकी टेस्टिमनी पे भी इक्वली रिलाई किया जा सकता है, मगर कंसिडरिंग कि उनकी टेस्टिमनी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अनशैटर्ड रही हो। और दूसरे सवाल के हवाले से उन्होंने कहा कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस रूल्स 2001 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे एज सच कोई बार प्लेस नहीं करते हैं कि वो सीजर के 72 आवर्स के बाद सैंपल्स ना भेजें। लाहौर हाई कोर्ट, फौजी सीमेंट कंपनी एंड अस्करी सीमेंट कंपनी वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स नंबर 1 और नंबर 2 के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शंस 279 और 282 के नीचे पिटिशन फाइल की। इस पिटिशन के जरिए दोनों पिटिशनर्स, जो कि कंपनीज थी और आपस में मर्ज करना चाहती थी, कोर्ट से इसी मर्जर में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए सैंक्शन मांग रही थी। पिटिशनर्स इस हवाले से SECB का अप्रूवल भी सीख कर रहे थे, जो कि रेलिवेंट लॉज में ऐसी सिचुएशन में लाजमी था। इस केस में कोर्ट के सामने 4 मेन इशूज़ थे। पहला इशू ये था कि क्या कोर्ट एक कंपनी की मीटिंग ऑर्डर कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार है कि वो ये ऑर्डर करे कि कंपनी की मीटिंग बुलाई जाए और इसे किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, ये भी कोर्ट बता सकता है। केस का दूसरा इशू ये था कि क्या शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि उसे पता होना चाहिए कि एक कंपनी मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा कि शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि उसे पता हो कि कंपनी की मीटिंग का एजेंडा क्या है, ताकि कंपनी का बिजनेस सही तरीके से कंडक्ट किया जा सके। इस केस का तीसरा इशू ये था कि एक प्रॉक्सी क्या होता है और क्या एक प्रॉक्सी की किसी मीटिंग में वोट करने की राइट एब्सोल्यूट है। इस इशू पर कोर्ट ने प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनालाइज किया। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 प्रॉक्सीज को डिफाइन करता है और कंपनी के मेंबर्स को इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करके उसे अपने बिहाफ पर कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करने का और उनमें वोट करने और बोलने का हक दे। प्रॉक्सीज शेयर होल्डर्स के एजेंट्स होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 के तहत एजेंसी के लॉ के नीचे गवर्न किए जाते हैं। अगर किसी कंपनी मीटिंग में पोल कंडक्ट करवाया जाए तो कंपनीज एक्ट 1913 के सेक्शन 79 के नीचे एक मेंबर पर्सनली या एक प्रॉक्सी के थ्रू वोट दे सकता था। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ने प्रॉक्सी के थ्रू वोट करने को एक स्टैट्यूटरी राइट की शक्ल दे दी। अलबत्ता सेक्शन 161 सबसेक्शन 1A ने इस राइट के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी और कोर्ट के मुताबिक जब एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और इसका कोई शेयर कैपिटल ना हो तो प्रॉक्सी के थ्रू वोट नहीं किया जा सकता। केस का लास्ट इशू ये था कि जब एक मर्जर में दोनों कंपनीज के मेजॉरिटी मेंबर्स ने मर्जर के लिए रेजोल्यूशन अप्रूव कर दी हो तो कोर्ट की इस इशू पर क्या जुरिस्डिक्शन होती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब मेंबर्स की जानब से कोर्ट की सैंक्शन के लिए एक स्कीम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए तो कोर्ट के पास अपील में बैठने की कोई फर्दर जुरिस्डिक्शन नहीं और वो उस कमर्शियल विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते जिसके साथ मेजॉरिटी मेंबर्स ने पूरी समझ के साथ ये स्कीम अप्रूव की थी। इसीलिए जब दोनों कंपनीज के मेजॉरिटी मेंबर्स रेजोल्यूशन फॉर मर्जर अप्रूव कर दे तो कोर्ट तब तक सैंक्शन डिनाई नहीं कर सकता जब तक ये प्रूव ना किया जाए कि वो मर्जर अनफेयर, अनरीजनेबल या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। इमरान खान अगेंस्ट चेयरमैन अलॉटमेंट कमेटी आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद एंड 2 अदर्स। इस केस में अपेलेंट ने इंडस्ट्रियल लैंड के अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया। मामला अलॉटमेंट कमेटी के सामने पेश हुआ और अलॉटमेंट इन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज़ कर दी गई कि कमेटी के पास इस लैंड को अलॉट करने की कोई पावर नहीं थी। अपेलेंट ने एक रिट पिटिशन के जरिए हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जो कि रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की वजह से डिसमिस हो गई। जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम और जस्टिस रज़ा अली खान ने कहा कि अर्लियर रिट पिटिशन में अपेलेंट ओनरशिप की बेसिस पे अलॉटमेंट सीक कर रहा था, जबकि प्रेजेंट केस में अपेलेंट अलॉटमेंट ऑन लीज विदाउट ऑक्शन सीक कर रहा था। तो जब सब्जेक्ट मैटर और पार्टी सेम है तो ट्रेड रिलीफ में मियर चेंज रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, लिहाजा अपील डिसमिस हो गई।
PLD 2022 High Court Azad Jammu and Kashmir 18 Sakina versus the State. ये केस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि कंप्लेनेंट के भाई मकतूल की शादी 20 से 21 जुलाई 2019 को होनी थी और इस वजह से मकतूल और उनके दोस्त 17 जुलाई 2019 को उनके घर पर मिले। अलबत्ता अगली सुबह कंप्लेनेंट को उनके भाई नहीं मिले और कुछ देर बाद कंप्लेनेंट को अपने भाई की बुरे तरीके से मारी गई और जलाई हुई बॉडी मिली। इस सिलसिले में पिटिशनर और को-अक्यूज्ड को कत्ल के लिए ब्लेम किया गया और उनको आज़ाद पीनल कोड के सेक्शंस 34, 297 और 15 सबसेक्शन 2 डबल ए के नीचे ऑफेंसेस के लिए ब्लेम किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि क्या अक्यूज्ड सीआरपीसी के सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 के तहत बेल के लिए एंटाइटल्ड थी। इस सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि अगर किसी औरत को एक ऐसी ऑफेंस के लिए ब्लेम किया जाए जिसके ऊपर सजाए मौत लागू होती हो और जिसका ट्रायल एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट ना हो, उसे बेल पर रिलीज किया जा सकता है। इस केस में बेल डिक्लाइन करते वक्त कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 के तहत अक्यूज की राइट टू बेल उसकी स्टैचुटरी राइट है जिसे कोर्ट की डिस्क्रेशन पर डिनाई नहीं किया जा सकता। अलबत्ता सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 के नीचे बेल सिर्फ दो सिनेरियोस में रिफ्यूज की जा सकती है। पहला सिनेरियो ये है कि ट्रायल में डिले अक्यूज्ड या उसके बिहाफ पर किसी शख्स की वजह से आया हो, और दूसरा सिनेरियो जिसमें बेल डिनाई की जा सकती है वो ये है कि अक्यूज्ड का केस सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 की फोर्थ प्रोविजो में फॉल करता हो। सेक्शन 497 सबसेक्शन 1 की फोर्थ प्रोविजो के मुताबिक उन लोगों को बेल ग्रांट नहीं हो सकती जो कोर्ट के मुताबिक हार्डेंड डेस्परेट या डेंजरस क्रिमिनल्स हो। एक हार्डेंड डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट 1986 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2184 में डिस्कस किया गया है और इसमें कोर्ट को ये एनालाइज करना चाहिए कि क्राइम किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया। अगर इस क्राइम में बहुत दरिंदगी हो तो कोर्ट कह सकता है कि अक्यूज्ड एक हार्डेंड डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल है। इस केस में अक्यूज्ड पिटिशनर की कोई प्रायर कन्विक्शन नहीं थी। अलबत्ता इस केस में मकतूल को स्ट्रैंगल करके मारा गया, उनकी बॉडी के हिस्से काटे गए और उन्हें जलाया गया। क्योंकि क्राइम को करने का तरीका बहुत ही क्रूअल था और इस क्राइम को सर अंजाम देने में पिटिशनर का बहुत बड़ा हाथ था, उन्हें बेल डिनाई कर दी गई। सना असलम अगेंस्ट अली इमरान एक्सेट्रा। एप्लीकेंट ने यह रिव्यू एप्लीकेशन अपने असल भाई के थ्रू फाइल की एज स्पेशल अटॉर्नी अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड जजमेंट। अदालत के सामने अहम सवाल ये था कि क्या एक पार्टी का स्पेशल अटॉर्नी कोर्ट के सामने अपीयर होकर मैटर आर्ग्यू कर सकता है। इस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि रूल 1 ऑर्डर 3 CPC की रोशनी में एक स्पेशल अटॉर्नी अदालत के सामने अपीयर हो सकता है, एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है और पार्टी के लिए एक्ट भी कर सकता है, मगर वो कोर्ट में प्लीड करने को इंटाइटल नहीं और ना ही मैटर आर्ग्यू कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट खान मोहम्मद वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एटसेट्रा। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 और 2 ने एक सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर और मेंटेनेंस फाइल किया। इस प्रेजेंट केस में पिटिशनर ने फैमिली कोर्ट और एडिशनल सेशंस जज फैसलाबाद के जजमेंट्स को चैलेंज किया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने मुतअद्दिद इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत डिवोर्स का नोटिस किस यूनियन काउंसिल को डिलीवर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 7 के तहत जैसे ही कोई शख्स अपनी वाइफ पर किसी भी तरीके से तलाक प्रोनाउंस करे तो उसे जल्द अज जल्द उस यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी को एक रिटन नोटिस देना चाहिए जहां उसकी बीवी उस वक्त रिजाइड कर रही हो। इसके साथ ही डिवोर्स नोटिस की एक कॉपी बीवी को भी जानी चाहिए। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि तलाक का नोटिस मिलने के बाद चेयरमैन की क्या ऑब्लिगेशन है। कोर्ट ने कहा कि जैसे ही चेयरमैन को तलाक का नोटिस रिसीव हो तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हो और दोनों में सुलह करवाने की कोशिश करवाई जाए। इस केस का तीसरा इशू ये था कि डिवोर्स के इफ़ेक्टिव होने के लिए टाइम कब से स्टार्ट होता है और डिवोर्स के फाइनल होने से पहले 90 दिन का पीरियड प्रोवाइड करने का क्या मकसद है। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा कि MFLO के सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के मुताबिक जब तलाक प्रोनाउंस कर दी जाए तो अगर ये रिवोक ना की जाए तो ये 90 दिन के बाद इफेक्टिव होती है। ये 90 दिन का पीरियड तब से स्टार्ट होता है जब चेयरमैन को तलाक का नोटिस डिलीवर हो और ये पीरियड इसलिए दिया जाता है कि अगर पार्टीज़ सुलह करना चाहे तो वो इस अरसे में ये कर ले। इस केस का फोर्थ इशू ये था कि तलाक के नोटिस के बाद चेयरमैन और आर्बिट्रेशन काउंसिल के क्या फंक्शंस होते हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तलाक के नोटिस के बाद दोनों पार्टीज चेयरमैन और आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने पेश हो और इनके दरमियान सुलह ना हो तो चेयरमैन को राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा कि रिकंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं हुई।
वो इस सिलसिले में कुछ और नहीं कर सकते। प्रेजेंट केस का फिफ्थ इशू ये था कि फ्रेज डिसोबीडियंस की लीगल डेफिनेशन और एप्लीकेशन क्या है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ज्यूरिस्ट्स में इस बात पर कोई कंसेंसस नहीं कि लव्स डिसोबीडियंस की एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन और एप्लीकेशन क्या है। आम तौर पर यह माना जाता है कि जब बीवी अपने हस्बैंड की परमिशन या किसी लॉफुल एक्सक्यूज के बगैर घर से निकले तो ये डिसोबीडियंस है। अलबत्ता हनफी फिरके के अलावा बाकी फिरकों के मुताबिक अगर एक हेल्दी वाइफ अपने हस्बैंड को बेड डिनाई करे तो ये भी डिसोबीडियंस ही होगी। इस केस का अगला इशू ये था कि क्या डिवोर्स के बाद किसी सिचुएशन में एक्स वाइफ को मेंटेनेंस पे करनी होती है। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा कि एक एक्स वाइफ को डिवोर्स के बाद तब मेंटेनेंस देनी चाहिए अगर वो हस्बैंड से अपने बच्चे को खुद ही फीड करवा रही हो। इस हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 233 को भी रेफर किया जा सकता है। इस केस का सेवंथ इशू ये था कि अगर किसी केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हो तो क्या ओरल एविडेंस पर रिलाई किया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब ओरल एविडेंस और रिटन एविडेंस में कोई तजाद हो तो ओरल एविडेंस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। यह एविडेंस के लॉ का एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि एक इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एक डॉक्यूमेंट नहीं। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर आठवां इशू यह था कि क्या एक औरत अपने बच्चे को खुद फीड करवाने के लिए डिवोर्स के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड के घर रह सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि शरीयत के मुताबिक एक औरत डिवोर्स के बाद भी अपने बच्चे को फीड करवाने के लिए 2.5 साल के अरसे तक अपने एक्स हस्बैंड के घर रह सकती है जब तक वो दोनों अल्लाह की तरफ से प्रिस्क्राइब की गई लिमिट्स के अंदर रहे। इस केस का लास्ट इशू ये था कि 3 दफ़ा ओरली दी गई तलाक कब इरेवोकेबल और इफेक्टिव बन जाती है। इस सिलसिले में कोर्ट ने DF मुल्ला की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ के पैराग्राफ 310 और 311 के सब पैराग्राफ 3 को साइट किया और कहा कि ये बात क्लियर है कि 3 दफ़ा ओरली तलाक देने पर डिवोर्स इन 3 तलाकों के देने पर इमीडिएटली इफेक्टिव और इरेवोकेबल हो जाता है। मियां अंसर हयात अगेंस्ट द स्टेट एंड 10 अदर्स। इस पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 561A CRPC एडिशनल सेशंस जज के ऑर्डर की वायरीज को क्वेश्चन किया है, जिसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट्स की रिवीजन पिटिशन को एक्सेप्ट किया और पुलिस ने जो डिस्चार्ज रिपोर्ट सबमिट की उसके साथ एग्री किया। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि मैजिस्ट्रेट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास किए हैं क्या उनके खिलाफ सेशन कोर्ट के सामने रिवीजन कॉम्पिटेंट है। दूसरा ये कि एक क्रिमिनल केस कैंसिल करने के लिए मैजिस्ट्रेट और पुलिस कहाँ से पावर्स डिराइव करते हैं। और तीसरा ये कि पुलिस की हायरार्की में ये ऑब्लिगेशन किस पे है कि वो कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट को डिस्पैच करे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने पहले सवाल पे कहा कि मैजिस्ट्रेट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास किए हैं उनके खिलाफ सेशन कोर्ट के सामने रिविजन कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरा ये कि पुलिस केस कैंसिल करने के लिए पावर्स पुलिस रूल्स 1934 के रूल 24.7 और रूल 25.7 से डिराइव करती है और मैजिस्ट्रेट ये पावर्स रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट वॉल्यूम 3 चैप्टर 11D से डिराइव करते हैं। और तीसरे सवाल पे उन्होंने कहा कि कोर्ट को कैंसिलेशन रिपोर्ट डिस्पैच करने की ऑब्लिगेशन सुपरिटेंडेंट पे होती है और इसका एम ये है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और पुलिस वर्किंग पे चेक एंड बैलेंस हो। PLD 2022 सिंध 171 सैयद रजा अली शाह वर्सेस 12 मॉडल सिविल एपिलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 3 की शादी 2010 में हुई और 2013 में इनका एक बेटा हुआ। 2018 में रिस्पोंडेंट नंबर 3 बच्चे की माँ अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए US से चली गई। अब पिटिशनर के मुताबिक उनमें और रिस्पोंडेंट्स में एक अग्रीमेंट हुआ था कि उनका बच्चा वक्फे वक्फे से US से ट्रैवल करेगा लेकिन वो 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आ जाएगा। अलबत्ता 2019 में रिस्पोंडेंट ने कहा कि वो बच्चे को पाकिस्तान नहीं भेजेगी और जब पिटिशनर बच्चे को लेने USA गए तो उन्हें एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए बताया गया कि वो अपने बच्चे से नहीं मिल सकते। इस सिलसिले में पिटिशनर ने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की सेक्शन 7 और 25 के नीचे एप्लीकेशंस फाइल की। अलबत्ता लोअर कोर्ट्स ने पिटिशनर की एप्लीकेशंस रिजेक्ट करके रिस्पोंडेंट की जानब से सेक्शन 9 के नीचे फाइल की गई एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और ये कहा कि क्योंकि माइनर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो पिटिशनर की एप्लीकेशन अलाउ नहीं कर सकते। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू यही था कि क्या ट्रायल कोर्ट के पास पिटिशनर की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थी। अब गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सेक्शन 9 के मुताबिक कोर्ट एप्लीकेशन तब एंटरटेन कर सकता है जब वो एरिया जहां माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड करता हो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हो। रिस्पोंडेंट के मुताबिक उनका बच्चा ऑर्डिनरीली अमेरिका में रिजाइड करता था और लिहाजा कोर्ट पिटिशनर की एप्लीकेशन सुन नहीं सकता था।
अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात अब क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है कि गार्डियनशिप और कस्टडी के मामलों में 1890 के एक्ट का सेक्शन 9 नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का सेक्शन 5 और 26 और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 का रूल 6 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करता है। लिहाजा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 9 के नीचे डिटरमिन नहीं की जाती और ये बात 2001 SCMR 2000 में भी कंफर्म की गई थी। 1965 के रूल्स के रूल 6 के मुताबिक कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दो चीज़ों पर डिटरमिन हो सकती है। पहला कंडीशन है कि कॉज ऑफ एक्शन होली या पार्टली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ हो, या फिर दूसरा कंडीशन है कि पार्टीज लास्ट टाइम इकट्ठे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में रह रही थी। प्रेजेंट केस पर पिटिशनर का कॉज ऑफ एक्शन तो अमेरिका में अराइज हुआ क्योंकि अमेरिका में उन्हें अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। अलबत्ता रूल 6B के तहत पिटिशनर और रिस्पोंडेंट ने लास्ट टाइम इकट्ठे कराची में रिजाइड किया था जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता था और अमेरिका में पार्टीज का इकट्ठे रहना सिर्फ एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था। इसके अलावा कोर्ट ने रिस्पोंडेंट का ये आर्ग्यूमेंट भी रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि माइनर एक US सिटीजन थे वो अमेरिका में रिजाइड करते थे। माइनर USA के सिटीजन होने के साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 5 के तहत एक पाकिस्तानी सिटीजन भी थे जिसकी वजह से कोर्ट के पास इस इशू को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन को डिस्पोज करते हुए कोर्ट ने यह केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया और इस पर जल्द अज जल्द फैसला मांगा। माई मिठा एंड 57 अदर्स अगेंस्ट बंदा अली एंड 94 अदर्स। पिटिशनर्स ने इम्प्यूंड ऑर्डर को इन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया है कि इशू ऑफ लिमिटेशन एक मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है जो एविडेंस की बेसिस पर डिसाइड होगा। पिटिशनर्स ने बीइंग इन पोजेशन ऑफ लैंड इन डिस्प्यूट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 53 की रोशनी में एडवर्स एंट्रीज को चैलेंज किया जिसके लिए सिर्फ सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू एडजुडिकेट, जबकि रिस्पोंडेंट्स कंटेंड कर रहे थे कि प्लेंट कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रही थी और ना ही पिटिशनर्स के पास कोई लोकल स्टैंडर्ड था कि वो एक टाइम बार्ड क्लेम फाइल करें। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति और जस्टिस जहीरुद्दीन काकर ने कहा कि प्लेंट में मौजूद अवर्मेंट्स वर प्रज्यूम टू बी करेक्ट। पिटिशनर ने म्यूटेशन एंट्रीज 48 ईयर्स बाद चैलेंज की और प्लेंट शो कर रही थी कि पिटिशनर्स के प्रीडेसेसर्स इम्प्यून म्यूटेशन एंट्रीज से वेल अवेयर थे लेकिन उन्होंने उसे अपनी लाइफ टाइम में चैलेंज ना किया। स्टेटमेंट इन प्लेंट से जो सूट अपियर हुआ वो बार्ड बाय लिमिटेशन था और लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डिसमिस हो गई। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।